एवरी वन वेलकम टू लर्नर बी आई एम शिवानी चौहान इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास एट्थ हिस्ट्री की बुक का चैप्टर द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ विजुअल आर्ट्स का पार्ट थ्री ये लास्ट पार्ट है काफ़ी सारा चैप्टर हम लोग कवर कर चुके हैं अब हम लोग आगे का देखते हैं जो हमने कवर नहीं किया है तो यहाँ तक हमने देख लिया था अब हम यहाँ से देखते हैं कि माइथोलॉजिकल सीन्स जो है हाँ ये वाला भी हमने देख लिया था अब नाइन्टीन सेंचुरी में यहाँ ये गॉडेस की बनाई जाती है हाँ फोटोग्राफी फोटोग्राफिंग इंडिया तो इंडिया की फ़ोटोज़ लेना तो पहले तो कैमरा वगैरह होता नहीं था फिर धीरे धीरे कैमरे का इन्वेंशन हुआ फिर पेंटिंग्स की जगह फोटोज़ क्लिक की जाने लगी यू हैव सीन हाउ यूरोपियन पेंटर्स क्रिएटेड वैराइटी ऑफ इमेज ऑफ इंडिया तो यूरोपियन पेंटर्स ने कई तरीके की इमेज बनाई थी इंडिया की है ना अब सच इमेज uh, काफ़ी ज़्यादा वर बींग प्रोड्यूस बाई फोटोग्राफर एज़ वेल दो फोटोग्राफर्स ने भी ऐसी इमेज़ बनाई थी बाई मिट नाइनटीन सेंचुरी फोटोग्राफर्स फ्राम यूरोप बेगेन ट्रैवलिंग टू इंडिया तो नाइनटीन सेंचुरी में आते आते uh, यूरोप के फोटोग्राफर्स इंडिया आने लगे थे काफ़ी सारे पिक्चर्स लेते थे स्टूडियोज़ वो लोग बनाया करते थे फ़ोटोग्राफिक सोसाइटीज़ को प्रमोट किया करते थे कि भाई फोटोज़ की सोसाइटी बनेगी फोटोग्राफी की सम ऑफ दिम वर पोट्रेट पेंटर्स हु बिकेन टेकिंग फोटोग्राफ्स ऑफ इंपीरियल ऑफिशल्स प्रेजेंटिंग दै मेज फिगर्स ऑफ अथॉरिटी एंड पावर तो इंपीरियल ऑफिशियल्स का मतलब है जो अंग्रेजों अंग्रेज अधिकारी अंग्रेज होते थे उनकी फोटोज लेते थे फिर उनकी बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट्स बनाते थे और उनको ऐसे दिखाते थे कि बड़े पावरफुल हैं ये काफ़ी सारे ट्रैवल करते थे कंट्री में जो मतलब रियूंड बिल्डिंग्स हैं रियूड बिल्डिंग्स मतलब जो तबाह हुई बिल्डिंग्स है और खुब सूरत, खुब सूरत हैं और खूबसूरत खूबसूरत सी जगह हैं लैंडस्केप हैं उन सबको देखने के लिए और उनके पिक्चर्स लेने के लिए येट अदर्स रिकॉर्डेड काफ़ी लोग उन्होंने रिकॉर्ड किए मूवमेंट ऑफ़ ब्रिटिश मिलिट्री ट्रीम्फ काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स फोटोग्राफ्स हमें दिखते हैं जब जो अंग्रेज़ लड़ाइयाँ जीते थे उनके तो काफ़ी सारे हमें इस तरीके से रिकॉर्ड्स मिलते हैं तो ये देखिए ये एक फ़ोटोग्राफ है द हॉर्स रेजिमेंट लेड बाय विलियम हॉटसन विच प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्रेसिंग द 1857 फिफ्टी सेवन रिवोल्ट फोटोग्राफ बाय तो ये फोटोग्राफ है इनका फेलिस पे ने लिया है नोट इज़ द वे ब्रिटिश ऑफिसर्स इज शोन एट देंटर तो ब्रिटिश जो ब्रिटिश ऑफिसर्स से हैं उनको सेंटर में दिखाया गया है और कितने ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं वो और सब पे इनका कब्जा चलता है इस तरीके से दिखाया गया है अब आता है ये सती चौराहा घाट कानपुर फोटोग्राफ बाय सैमुअल बर्न तो ये सती चौराहा घाट कानपुर की वाली फ़ोटो है और ये फोटो है नेशनलिस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन इना बॉम्बे स्ट्रीट बॉम्बे की ए, सड़क पे एक डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहा है लोग आंदोलन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ ये वो है फिर ये देखिए विक्टोरिया टर्मिनस बॉम्बे तो रेलवे स्टेशन फॉस बिल्ड बिटवीन एटीन से लेकर के 1887 के बीच में विक्टोरिया टर्मिनस जो कि बॉम्बे में अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनस नाम रख दिया ना ये वो रेलवे स्टेशन है न्यू बिल्डिंग एंड न्यू स्टाइल्स अलग अलग तरीके की बिल्डिंग्स अब बनने लगी थी तो जैसे कि यहाँ पे ब्रिटिश रूल के साथ साथ ब्रिटिश आर्किटेक्चरल स्टाइल्स भी हमारे देश में आए तो ब्रिटिश रूल आया उसके साथ वहाँ का आर्किटेक्चर भी आया नए स्टाइल्स को इंटोड्यूस किया गया नई सिटीज़ बनाई गई नई बिल्डिंग्स बनाई गई तो वही देखिए फिगर ट्वेंटी में हम लोगों को विक्टोरिया टर्मिनल दिखते हैं किस तरीके से हमारे देश में इस तरीके के आर्चीज वगैरह थोड़े ना पहले होते थे ऐसे देखिए ऐसी ऐसी मीनारे इस टाइप की ऐसे और ऐसे लंबे लंबे से ये ब्रिटिश स्टाइल ही है ये यूरोप में ही चलता है इसको गॉथिक स्टाइल बोला जाता है टिपल आ, ये जो एनलॉगेटेड स्ट्रक्चर हैं ऊंचे-ऊंचे से कोने की नोक वाले इनको गौथिक स्टाइल बोलते हैं और नई बिल्डिंग्स जो मिड नाइन्टीन सेंचुरी के में बनाई गई बॉम्बे में वो गौथिक स्टाइल की ही बनाई गई और फिगर ये देखिए ये वाली जो फिगर है इसमें राउंडेड आर्च है और पिलर्स हैं ये अनदर स्टाइल है जो कि ब्रिटिश ने इस्तेमाल किया था कलकत्ता में और ये जो स्टाइल है ना ये ग्रीस और रोम से लिया गया है ये जो डोम वाला स्टाइल है ना इस तरीके का ये कलकत्ता में ऐसी बिल्डिंग्स बहुत देखने के लिए मिलती हैं ये रोम और ग्रीस से ये स्टाइल लिया गया था और ये पावर और ग्लोरी को दिखाता है वहाँ की प्रटिशर्स की सर्च फॉर अ नेशनल आर्ट अब इससे पहले अभी हमने चैप्टर में क्या क्या देखा ज़्यादातर जो आर्ट ब्रिशर्स की देखी और कुछ इंडियन भी देखी जैसे कालीघट पेंटिंग्स जो थी अब सर्च फॉर अ नेशनल आर्ट की भी अपने देश की आर्ट की सर्च भी होने लगी तो जब नाइनटीन सेंचुरी खत्म हो रही थी एक स्ट्रॉगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हुआ आर्ट में और नेशनलिज्म में तो जो पिक्चर्स बन रही थी फोटोज़ फोटोग्राफ्स आ रहे थे तो उससे भी भाई नेशनलिज्म बढ़ता है मतलब भारत माता की पिक्चरें बन रही हैं है ना अपने देश के इंपॉर्टेंट सिम्बल्स बनाए जा रहे हैं काफ़ी सारे जो पेंटर्स थे उन्हें स्टाइल डेवलप करने की कोशिश की जो कि मॉडर्न भी हो और इंडियन भी हो अभी नेशनल स्टाइल क्या होता है द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा तो राजा रवि वर्मा वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट थे जिन्होंने ट्राई किया क्रिएट करने का ऐसा स्टाइल दैट वाज बोथ मॉडर्न एंड नेशनल तो नेशनल भी हो और मॉडर्न भी हो इस तरीके का स्टाइल क्रिएट करने की कोशिश की थी राजा रवि वर्मा ने रवि वर्मा बिलोंग टू तो अ फैमिली ऑफ महाराजाज ऑफ त्रावणकोर इन केरला एंड वॉज एड्रेस्ड एज राजा तो राजा रवि वर्मा जो है वो जो महाराजा थे त्रावणकोर के केरला वाले इलाके के वहाँ की फैमिली के थे इसलिए इनको राजा के नाम से बुलाया जाता है और वेस्टर्न ऑयल पेंटिंग इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आती थी और रियलिस्टिक पेंटिंग बनाया करते थे लाइफ स्टडी वाली जो पेंटिंग होती हैं और बट पेंटेड थीम्स फ्रॉम इंडियन माइथोलॉजी तो मतलब बिल्कुल लाइफ स्टाइल पेंटिंग बनाया करते थे जैसे ऑयल पेंटिंग ब्रिटिशर्स बनाते हैं बट इंडियन माइथोलॉजी इंडिया के जो देवी देवता हैं उनकी पेंटिंग्स बनाया करते थे इन्होंने ड्रामेटाइज किया मतलब बनाया रामायण के काफ़ी सारे सीन्स को महाभारत के सीन्स को काफ़ी थियरिटिकल परफॉर्मेंस दी आ, मतलब इन्होंने बनाए माइथोलॉजिकल स्टोरीज़ के बारे में विटनेस दैट ही विटनेस ड्यूरिंग हिज टूर ऑफ बॉम्बे प्रेसिडेंसी तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी जब गए थे उस समय पर इन्होंने काफ़ी सारी रामायण महाभारत से रिलेटेड पेंटिंग्स बनाई थी फ्रॉम एटीन हंड्रेड एटीज़ रवि वर्मा माइथोलॉजिकल पेंटिंग्स बिकम रेयर अमंग इंडियन प्रिंसेस एंड आर्ट कलेक्टर्स हु फिल्ड देयर प्लेस पैलेस गैलरीज विथ हिज वर्क तो इतना मतलब अच्छा बनाते थे तो काफ़ी जो राजा वगैरह होते थे और जो बड़े बड़े अमीर लोग होते थे वो राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स को अपने महलों की गैलरीज वगैरह में लगाया करते थे अब रिस्पोंडिंग टू ह्यूज पॉपुलर अपील ऑफ सच पेंटिंग्स रवि वर्मा डिसाइडेड टू सेट अप पिक्चर प्रोडक्शन टीम एंड प्रिंटिंग प्रेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ बॉम्बे अब उन्होंने देखा कि इस तरीके के पिक्चर्स काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो नहीं है तो इन्होंने एक बॉम्बे के बाहर की तरफ प्रिंटिंग प्रेस लगा दी यहाँ पे हेयर कलर प्रिंट्स ऑफ इज रिलीजियस पेंटिंग्स वर मास प्रोड्यूस तो ये जो पेंटिंग बनाया करते थे उसके प्रिंट्स काफ़ी ज़्यादा लंबे उसमें मतलब बहुत ज़्यादा उनके प्रिंट्स निकाले जाते थे प्रिंटिंग प्रेस में इसलिए जो पुअर लोग थे वो भी इन प्रिंट्स को खरीद सकते थे तो मतलब पेंटिंग तो हाथ से बनाते थे फिर उसकी प्रिंटिंग करवा दिया करते थे तो कृष्ण संधन बाय राजा रवि वर्मा तो राजा रवि वर्मा ने देखिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई हुई है यहाँ पर अ डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट अब नेशनल आर्ट का एक नया विजन डिफरेंट विजन है बस चैप्टर खत्म होने वाला है डिफरेंट विजन ऑफ नेशनल आर्ट बंगाल में एक नया ग्रुप आ गया था नेशनलिस्ट आर्टिस्ट का गैदर्ड अराउंड अरबिंद अवींद्रनाथ टैगोर 1871 से 1851 तो अवींद्र टैगोर भी काफ़ी अच्छे एक आर्टिस्ट थे पेंटिंग्स बनाया, बनाया करते थे ये और ये नेशनलिस्ट पेंटिंग बनाया करते थे ये नेफ्यू थे मतलब भतीजे थे Uh, रबीन्द्र टैगोर के और दे रिजेक्टेड द आर्ट ऑफ राजा रवि वर्मा एज इमिटेटिव एंड वेस्टर्नाइड एंड डिक्लेयर्ड दैट सच अ स्टाइल वॉज अनसुटेबल फॉर डेवलपिंग द नेशंस एंशियंट मिथ्स एंड लेजेंड्स तो इन्होंने कहा रबींद्रनाथ टैगोर ने कि ये जो रवि वर्मा जिस तरीके की पेंटिंग्स बना रहे हैं ना वो पेंटिंग्स तो भाई हमारे देश की नहीं है वो ऑयल पेंटिंग में बना रहे हैं तो हमारे देश के यूथ में नेशनलिज्म की भावना किस तरीके से जगाएंगे आप इस तरीके की पेंटिंग्स बना के दे फेल्ट दैट जेनुन इंडियन स्टाइल ऑफ पेंटिंग हैज टू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम नॉन वेस्टर्न एंड आर्ट ट्रेडिशंस तो अबिंद्राथ टैगोर को लगता था कि भाई जो नेशनलिस्ट पेंटिंग है तो वो बाहर से बाहर से इंस्पिरेशन ही लेनी हमें हमारे देश की जो फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स है उनसे इंस्पिरेशन लेकर के हम लोग ऐसी पेंटिंग बनाएंगे जिससे हमारे देश के लोग अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हो जाए देश के लिए तो उन्होंने कहा कि जो ईस्ट का एसेंस है ना ईस्ट मतलब इंडिया का जो एसेंस है एशियन कंट्रीज़ का जो एसेंस है उस तरीके की पेंटिंग्स हम बनाएंगे ऐसा अवींदनाथ टैगो ने कहा सो दे ब्रोक अवे फ्रॉम द कन्वेंशन ऑफ ऑयल पेंटिंग एंड रियलिस्टिक स्टाइल एंड टर्न टू द इंस्पिरेशन टू मेडिवल इंडियन ट्रेडिशंस ऑफ मिनिएचर पेंटिंग तो राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग्स और ये सब नहीं करी बल्कि जो एंशंट इंडिया में पुराने इंडिया पुराने जमाने में इंडिया में जो मिनिएचर पेंटिंग्स बनाई जाती थी और जो मुरल पेंटिंग्स बनाई जाती थी ना उस तरीके की पेंटिंग्स इन्होंने बनाई अबिंद्रनाथ टैगोर की मदर की ये पिक्चर है वाटर कलर में और ये देखिए अ बैनिश यक्ष तो ये देखिए बैनिश यक्ष हैं यहाँ पर और ऑफ़ कालिदास पोयम मेघदूत पेंटेड बाय अबिंद्र टैगोर तो अभिन्द्रनाथ टैगोर ने ये पेंटिंग बनाई है और इसमें देखिए बिल्कुल नोटिस द मिस्टी बैकग्राउंड द सॉफ्ट कलर्स एंड द एब्सेंस ऑफ हार्ड हार्डलाइंस इन द पेंटिंग्स दीज आर स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स यू विल अफन फाउंड इन जैपनीज वाटर कलर लैंडस्केप तो मतलब जो एशिया का या फिर इंडिया मतलब बेसिकली जो हमारे ईस्टर्न पार्ट है ना जो वर्ल्ड का उससे इंस्पिरेशन ली थी अभीनाथ टैगोर ने और उस तरह से पेंटिंग बनाई थी अभी देखिए एक और इनकी ये पेंटिंग है ये है जादूगृह दहा द बर्निंग ऑफ हाउस ऑफ लाक ड्यूरिंग पांडव एक्साइल इन द लाक्षा गृह में जो उनको पांडव को जलाने की कोशिश करी गई थी ना उसकी पेंटिंग बनाई है ये बनाई है नंदलाल बोस ने नंदलाल बोस जो थे वो स्टूडेंट थे अबिंद्र नाथ टैगर के देखिए इंडिया में पेंटिंग के लिए आप लोगों को तीन नाम याद रखने हैं एक तो राजा रवि वर्मा एक अबींद्रनाथ टैगोर और एक नंदलाल बोस नंदलाल बोस जो है वो अबींद्रनाथ टैगोर के स्टूडेंट थे और काफ़ी अच्छी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई हैं अबिंद्रनाथ एंड नंद लाल डिड नॉट सिंपली फॉलो एन अर्लियर स्टाइल मतलब अवींद्रनाथ ने और नंदलाल ने इन्होंने पहले का स्टाइल नहीं फॉलो किया इन्होंने खुद का अपना स्टाइल बनाया इन दिस पेंटिंग यू कैन सी हाउ नंदलाल यूज इज शेडिंग टू गिव अ थ्री डायमेंशनल इफेक्ट टू द फिगर तो इन्होंने ये देखिए थ्री डायमेंशनल इफेक्ट देने की कोशिश करी है शेडिंग से ऐसा लग रहा है बिल्कुल थ्री डी है ये पिक्चर तो थ्री डी इफेक्ट देने की कोशिश की है नंदलाल बोस ने अब यहाँ पे आता है कि Uh, हाँ वे यू विल नॉट फाइंड दिस इन अजंता पेंटिंग अजंता पेंटिंग्स में आप लोगों को इस तरीके की थ्री डी इफेक्ट नहीं मिलता है देखने को मुरल पेंटिंग्स है वो तो पेंटिंग्स अजंता की हैं ठीक है दे वर इन्फ्लूंस बाय द आर्ट ऑफ जेपनीज आर्टिस्ट हु विजिटेड इंडिया एट द टाइम टू डेवलप एन एशियन आर्ट मूवमेंट तो अभी टैगोर ने जो इंडिया की आर्ट फॉर्म रही और जापान की आर्ट फॉर्म से भी वो इंस्पायर हुए थे क्योंकि एक एशियन आर्ट मूवमेंट उन्हें डेवलप करना था वी कैन सी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री डिफरेंट पिक्टोरियल अभी हम लोगों ने देख लिया कि इंडियन स्टाइल और अभिन्नाथ टैगोर ने बनाई अभिन्नी टैगोर जो राजपूत मिनिएचर्स थे उनसे काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे जो मिनिएचर पेंटिंग जो मतलब बॉडी की हमारे साइज़ की वन सिक्स की बनाते थे और जैपनीज पेंटिंग से भी काफ़ी वो इन्फ्लुएंस हुए थे और अजंता का जो स्टाइल था ना अजंता की पेंटिंग्स बनाने का देखिए अजंता एलोरा में आपको इस टाइप की पेंटिंग्स देखने को मिलती है उससे इंस्पायर होकर इन्होंने पेंटिंग्स बनाई थी द एफर्ट टू डिफाइन वट ऑट टू बी एन ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल आर्ट कंटिन्यू तो मतलब एफर्ट कि भाई ऑथेंटिक इंडियन स्टाइल बाहर से हम लोगों को कुछ नहीं लेना है हमें अपने इंडिया के ही आर्ट फॉर्म को डेवलप करना है ये हमें देखने को मिलता है आफ्टर द नाइनटीन एक नई जनरेशन आर्टिस्ट की स्टार्ट हो गई स्टार्ट आर्टिस्ट बिगिन टू ब्रेक अवे फ्रॉम द स्टाइल पॉपुलराइज बाय अबीन टैगोर तो अबीदनाथ टैगोर ने जो स्टाइल पॉपुलराइज किया था उससे भी अलग एक और स्टाइल बनने लगे सम सॉ इट एज सेंटिमेंटल अदर्स थाट दैट स्परिचुअलिजम कुड नॉट बी सीन एज द सेंट्रल फिगर ऑफ इंडियन कल्चर तो कुछ आर्टिस्ट को लगा कि भाई सिर्फ स्परिचुअल सिर्फ भगवान की और मतलब जैसे कि मैथोलॉजिकल पेंटिंग्स ही नहीं बनानी इंडियन कल्चर में उन्हें लगा कि आर्टिस्ट को एक रियल लाइफ इलस्ट्रेशन होना चाहिए इलस्ट्रेटिंग एंशियंट बुक्स एंड लुक फॉर इंस्परेशन फ्राम द लिविंग फोक आर्ट एंड ट्राइबल डिजाइन रादर देन एंशियंट आर्ट फॉर्म्स आर्ट फॉर्म्स एज द डिबेट कंटिन्यू न्यू मूवमेंट्स ऑफ आर्ट ग्रियो एंड स्टाइल ऑफ आर्ट चेंज तो मतलब बेसिकली इसमें क्या है ना जिस तरीके से नया टाइम बदलता रहा समय के साथ इंसान में बदलाव आते हैं समाज में बदलाव आते हैं इसी तरीके से आर्ट में भी बदलाव आते गए तो ये देखिए काकूज़ों एंड द मूवमेंट फॉर एन एशियन आर्ट तो ये जो काकुज़ों थे वो का कोरा काकुजो ये जापान के थे और इन्होंने किताब लिखी थी द आइडियल्स ऑफ द ईस्ट तो ये मतलब कहते हैं कि एशिया इज़ वन जो पूरा का पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है वो एक है और इन्होंने आर्ग्यू किया कि ये जो वेस्टर्न नेशंस है ना ये यूरोपियन नेशंस ने एशियंस को ह्यूमिलिएट किया है और हमें इन लोगों को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है हमें अपना एशियन कल्चर खुद बनाना है इन्होंने जापनीज़ आर्ट पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और इन्होंने वेस्टर्न स्टाइल से हट कर के अपना जापान का खुद एक नया स्टाइल बनाया और फर्स्ट जापनीज आर्ट एकेडमी इन्होंने खोली और ओकाकुरो ने शांति निकेतन को भी विजिट किया था और इनका काफ़ी ओकाकुरो का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस पड़ा था रवींद्रनाथ टैगोर और रवींद्रनाथ टैगोर पर भी तो मतलब ये ओकाकुरो जो थे ये चाहते थे कि एशिया एक मतलब पूरा एक कॉन्टिनेंट साथ मिल करके आर्ट फॉर्म को डेवलप करें जो कि वेस्टर्न आर्ट फॉर्म से हो तो ये हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा अच्छा लगा तो लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए थैंक यू